तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से हुकूमत आवाज बाख्ता, पीटीआई कारकुनान और रहनुमाओं की गिरफ्तारियां, हमात अजहर, उस्मान डार, फरूख हबीब, एजाज चौधरी, मुराद रास और शौकत बसरा के घरों पर छापे, राजा बशारत, सादिया सुहेल, राना बेनिस्टर, वसीम खान, राजनपुर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस के छापे, 20 से जायद पीटीआई कारकुनान गिरफ्तार, बूरेवाला में भी क्रैकडाउन। रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन से नून लीग का चेहरा आया हो गया। नून लीग के इक्तदार में फस्ताइयत के इकदाम हमारे लिए नए नहीं, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का ट्वीट, लिखा कि पुरम एहतजाज हमारा हक है, मौजूदा इकदाम पर हैंडलर से भी सवाल उठते हैं। इस्लामाबाद में मेरे घर की निगरानी की जा रही है, खेल का आगाज हो चुका, हम इसको आखिरी दम तक पहुंचाकर दम देंगे। फवाद चौधरी कहते हैं कि छापे और गिरफ्तारियां इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी हैं। हम्माद अजहर कहते हैं कि चादर और चारदीवारी का तकद्दस पामाल किया गया, इनकी गिरती हुई दीवारों को हमेशा के लिए गिरा देंगे। इमरान इस्माइल ने कहा कि कातिल वजीर दाखिला मॉडल टाउन सानहा दोहराना चाहता है, सब्र का इम्तहान ना लिया जाए, अवामी इनकलाब रायवंड की तरफ भी जा सकता है। हुकूमत पीटीआई के हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च से घबरा गई, मतवी हथकंडों पर उतर आई, अटक पुल को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया, पुलिस एफसी और रेंजर्स के 22,000 एहलकार इस्लामाबाद तलब, तो पानी की तोपें, कैदियों की वैन और 15,000 आंसू गैस के शेल्स मंगवा लिए गए, पीटीआई श्रीनगर हाईवे तक महदूद करने का फैसला। हुकूमत लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए हरबे इस्तेमाल कर रही है, इनके पास वाहिद रास्ता इलेक्शन की तारीख है। इमरान खान का पेशावर में वकला से खिताब, कहा पुरान एहतजाज हमारा हक है, इंपोर्टेड हुकूमत रह गई तो इदारे तबाह हो जाएंगे, इक्तदार में आते ही इन्होंने तबादले शुरू कर दिए। कि पाकिस्तान में मुदाखलत बढ़ गई, इमरान खान का सीएनएन को इंटरव्यू, कहा कि हमारे अरकान को खरीद कर साजिश की गई। इम्पोर्टेड हुकूमत ने बोल न्यूज़ और एआरवाई को धमकियां दी हैं, फवाद चौधरी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा समी इब्राहिम, अरशद शरीफ और साबिर शाकिर के खिलाफ झूठे मुकदमात किए गए, चैनल्स को कहा गया है कि अगर पॉलिसी तब्दील ना की तो सख्त नतीजे भुगतना होंगे। शुक्रिया इस्लामाबाद हाईकोर्ट, शुक्रिया चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बगैर इजाज़त सहाफ़ियों की गिरफ्तारी से रोक दिया, एंकर पर्सन समी इब्राहिम, अरशद शरीफ और दीगर सहाफ़ियों के लिए अदालत का बड़ा हुक्म, PFUJ जर्नलिस्ट एसोसिएशन केस में अदालती मुआविन मुकर्रर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।